हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर और क्लास है सो दिस इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर सो फर्स्ट वी विल नो अबाउट द कंप्यूटर दैट व्हाट इज़ कंप्यूटर एज यू ऑल नो दैट कंप्यूटर इज़ अ मशीन तो ये जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है तो सबसे पहले इसमें ये जाने कंप्यूटर किसे कहते हैं लेकिन इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि कंप्यूटर है क्या जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है लेकिन मशीन किसे कहते हैं सबसे पहले इसको जानना होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं अ मशीन इज़ अ मेकेनिकल स्ट्रक्चर दैट यूज़ पावर टू अप्लाई फोर्सेस यानी कि मशीन एक ऐसा स्ट्रक्चर है एक ऐसी संरचना है जिसमें कि दबाव डालने के लिए पावर यानी कि शक्ति की आवश्यकता होती है यानी कि अगर आप उस पर पावर लगाना चाहते हैं उसमें दबाव लगाना चाहते हैं या उसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए शक्ति की यानी कि पावर की यूज़ करनी होगी कंट्रोल मूवमेंट टू परफॉर्म एन इंटेंडेड एक्शन और आप जो भी काम अपना इच्छा अनुसार उसमें जो भी काम में करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वह उसकी सारी मूवमेंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं मशीन वो चीज़ है जिसको चलाने के लिए जिसको ऑपरेट करने के लिए किसी ना किसी तरीके की पावर की आवश्यकता होती है जैसे कि आप जानते हैं कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिनको कि चलाने के लिए फ्यूल यानी कि ईंधन की, की आवश्यकता होती है पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है कुछ मशीन्स ऐसी भी होती हैं जिन जिनके लिए ह्यूम्स पावर की आवश्यकता होती है जैसे कि साइकिल कुछ मशीन्स ऐसी भी होती हैं जिनमें कि आपको बिजली की आवश्यकता होती है तो यानी कि मशीन एक ऐसी संरचना है जिसको चलाने के लिए किसी ना किसी तरीके की पावर की आवश्यकता होती है डेफिनेशन ऑफ मशीन डिवाइस दैट मेक्स वर्क ईजियर टू डू यानी कि मशीन ऐसी डिवाइस हैं जो कि हमारे काम को आसान बनाती हैं जैसा कि आप जानते हैं मशीन का यूज़ हम क्यों करते हैं ताकि हमारा काम ईजी हो जाए जल्दी हो जाए इसीलिए तो करते हैं ना चलिए देखिए आप नेक्स्ट पिक्चर देख रहे हैं ये साइकिल है ये एक मशीन है लेकिन इस इस मशीन को चलाने के लिए किसी ना किसी पावर की आवश्यकता तो होगी ना अगर हम इसमें पावर नहीं लगाएंगे तो क्या ये चल पाएगी नहीं चलेगी ना तो इसको चलाने के लिए कौन सी पावर की आवश्यकता होगी ह्यूमन पावर की कौन सी पावर की आवश्यकता होगी ह्यूमन पावर नेक्स्ट नेक्स्ट जो पिक्चर है वो किसका है वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन क्या अपने आप चल सकती है नहीं ना तो इसको चलाने के लिए पावर की आवश्यकता होगी तो पावर जिसको चलाने के लिए पावर की आवश्यकता हो वो मशीन होती है तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी कौन सी पावर की इलेक्ट्रिसिटी बिजली ये बिना बिजली के कार्य नहीं कर सकती नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं कार कार आप देख रहे हैं यहाँ पे कार तो क्या कार अपने आप चल सकती है नहीं चल सकती ना तो इसको चलाने के लिए भी एक पावर की आवश्यकता होगी तो इसको चलाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी कौन सी पावर की आवश्यकता होगी पेट्रोल डीजल इसकी आवश्यकता होगी ना यानी कि ये जो मैंने अभी आपको तीन पिक्चर दिखाए ये सारे अपने आप काम नहीं कर सकती इनको पावर की आवश्यकता होती है समझ गए